नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया मॉर्निंग जी का, तो सबसे पहले आपको चार बड़ी खबरें आज की कौन कौन सी है जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी, उनसे रूबरू कराते हैं। तो पहली खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई, जिन्होंने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने ईवीएम पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए जाने की मांग की है। ममता ने कहा है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि इस लड़ाई में हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई संस्था साथ नहीं देगी। कल ममता बनर्जी कोलकाता में इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुई। दूसरी खबर यह है कि क्या कांग्रेस को पीएम मोदी की तारीफ से डर लगता है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मोदी की तारीफ करने पर केरल कांग्रेस के एक नेता एपी अब्दुल्ला कुट्टी को पार्टी से निकाल दिया गया। अब्दुल्ला ने कहा था कि पीएम मोदी की विकास की नीतियों की वजह से एनडीए की जीत हुई है। तीसरी खबर, क्या यूपी में एसपी और बीएसपी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच होने जा रही है? मायावती ने संकेत दिए हैं कि यूपी में विधानसभा के उपचुनावों में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। मायावती ने कहा कि एसपी समर्थकों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। चौथी खबर है, कश्मीर में सेना की गाड़ियों पर पत्थरबाजों ने हमला किया। दूसरी तरफ घटना की निंदा करने की बजाय महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि एक बार फिर से कश्मीर समस्या के लिए पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, इस बात की उन्होंने वकालत की है। तो चलिए सबसे पहले आपको मुंबई से एक खबर आई है, वो बता देते हैं। मुंबई में मर्सिडीज कार सवार ने फुटपाथ पर एक व्यक्ति को कुचल दिया है। मर्सिडीज कार के नीचे आने की वजह से फुटपाथ पर उस व्यक्ति की मौत हो गई। मुंबई के महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। मर्सिडीज कार के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मुंबई में यह हादसा हुआ, मर्सिडीज कार सवार एक शख्स ने फुटपाथ पर चल रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिसकी वजह से मौके पर उसकी मौत हो गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, गाड़ी की हालत देखकर समझा जा सकता है या तो रफ्तार इसकी एक वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही और एक ड्राइवर जो मर्सिडीज को चला रहा था उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच किए गए चुनावी गठबंधन का गुबार अब चुनाव नतीजों के बाद फूटता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बात की संभावना साफ लग रही है कि यह गठबंधन जल्द से जल्द टूट सकता है। पीएम मोदी केवल राजनीति के ही महारथी नहीं बल्कि बेहतरीन भविष्य वक्ता भी हैं। अप्रैल में जब चुनावी माहौल परवान पर था, बुआ बबुआ का गठबंधन यूपी में एक दूसरे के लिए मर मिटने की बातें कर रहा था, तब पीएम मोदी लगातार रैलियों में ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा, और अब ऐसा ही कुछ लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आने वाले 11 विधानसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा है। 23 मई दिन गुरुवार, ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी। चुनावों में पीएम मोदी लगातार कहते रहे कि ये स्वार्थी गठबंधन है और ये महामिलावटी है। पिछले चुनाव में सपा और बसपा जो दुश्मन थे, आज बचने के लिए तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊं, तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊं। मायावती ने कल दिल्ली में बीएसपी के सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने कहा कि बीएसपी के वोट तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिले, लेकिन यादव वोटों में बिखराव रहा और वो बीएसपी उम्मीदवारों को पूरी तरह नहीं मिले। हालांकि अखिलेश यादव मायावती पर कुछ बोलने के बजाय अभी भी बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है किसी तरह की, लेकिन जमीन पर काम होगा तभी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। वहीं सिरसागंज विधानसभा से सपा विधायक हरिओम यादव सीधे तौर पर महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। गठबंधन से मायावती को ही फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। अगर गठबंधन नहीं होता तो बहन जी जीरो पे होती और समाजवादी पार्टी अकेली लड़ती तो 25 सीटें आती, समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। दरअसल यूपी में मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीएसपी केवल 10 और समाजवादी पार्टी 5 सीटें ही जीत पाई थी। इसी हार ने अब इस गठबंधन में दरार ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।